गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंट थिंग्स इन एनएमआर स्पेक्ट्रा। इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था हमने नंबर ऑफ सिग्नल्स। हमें बताते हैं दिए गए मॉलिक्यूल में इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के कितने सेट हैं। अब इसका दूसरा भाग है पोजीशन ऑफ सिग्नल, जिसे केमिकल शिफ्ट कहते हैं। पोजीशन ऑफ सिग्नल एनएमआर स्पेक्ट्रा का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। ये बताता है दिए गए प्रोटॉन्स की प्रकृति क्या है। प्रकृति का मतलब प्रोटॉन खूब प्रकार के होते हैं, जैसे इसमें एल्किल sp3 कार्बन से जुड़े हुए प्रोटॉन, sp2 से जुड़े हुए प्रोटॉन, sp संकरित कार्बन से जुड़े हुए प्रोटॉन, एरोमेटिक रिंग से जुड़े हुए प्रोटॉन, ऐसे ही खूब प्रकार। दिए गए मॉलिक्यूल में कौन सी प्रकृति के प्रोटॉन उपस्थित हैं, ये कौन बताता है? पोजीशन ऑफ सिग्नल, या फिर केमिकल शिफ्ट, दूसरा नाम इसका रासायनिक विस्थापन। अब देखो, किसी एनएमआर स्पेक्ट्रा में केमिकल शिफ्ट होता क्या है, तो ये देखो, ये एक टिपिकल एनएमआर स्पेक्ट्रम है, ठीक है। इसमें हमें एक सिग्नल दिखाई दे रहा है 6 पे, तो देखो ये वास्तव में केमिकल शिफ्ट है, किसी फ्रिक्वेंसी का मान नहीं है, ये है टीएमएस सिग्नल से। TMS सिग्नल जो हमेशा 0 पे होता है, ये 0 किसके लिए फिक्स किया हुआ है? TMS, TMS का मतलब है tetramethylsilane। उस सिग्नल से, मतलब 0 से इस सिग्नल की दूरी कितनी है, वो दूरी क्या है? केमिकल शिफ्ट। तो क्या है? इट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन NMR सिग्नल। फिर देखो ये TMS 0, हमने यहाँ पे TMS का चुनाव क्यों किया? देखो TMS की स्ट्रक्चर होती है ये CH3SiCH3, मतलब tetramethylsilane। अब हमें पता है सिलिकन धातु है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की होती है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन या कार्बन की तरफ रहते हैं, तो मतलब ये हाइड्रोजन पूरी तरह शील्डेड है। शील्डेड का मतलब है दिए, मतलब इलेक्ट्रॉन चक्रण के कारण इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, और जब इसका एनएमआर स्पेक्ट्रा लेते हैं तो जो फील्ड हम अप्लाई करते हैं उसका ये विरोध करते हैं। कौन? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें ज़्यादा सिग्नल लाने के लिए ज़्यादा फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको मानते हैं ये पूरी तरह शील्डेड है और इसका सिग्नल 0 पे आता है, और प्रोटॉन का सिग्नल इसको रेफरेंस मान के ज्ञात किया जाता है, तो 0 से आगे स्टार्ट होके आगे तक जाता है। अब देखो, मेजर इन ppm ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो डेल्टा की वैल्यू हम मेजर किस में करते हैं? ppm में, मतलब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट पर मिलियन। ये देखो टिपिकल NMR स्पेक्ट्रा हमने बना लिया, और अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा डाउनफील्ड और अपफील्ड, मतलब यहाँ ये शील्डेड है ना, तो शील्डेड में ज़्यादा फील्ड हमें अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसे बोलते हैं अपफील्ड रीजन, इधर वाला मतलब तो 0 के पास वाला होता है, और 0 से दूर वाला मतलब हाई डेल्टा वैल्यू वाला होता है डाउनफील्ड, इसको बोलते हैं डीशील्डेड, मतलब इसमें जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रेनफोर्स करता है, तो इसकी डेल्टा वैल्यू हाई आती है। अब देखो हम इस डेल्टा वैल्यू को मेजर कैसे करें। अब मेजर करने में का तरीका देखो ये है, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड इन हर्ट्ज। मान लो हमने एल्कोहल ले लिया, एल्कोहल का ये हाइड्रोजन, ये प्रोटॉन किसी फ्रीक्वेंसी पे रिजोनेंट हो रहा है, मतलब रिजोनेंस दिखा रहा है, उस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या करते हैं, जो स्पेक्ट्रोमीटर हम यूज कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उस फ्रीक्वेंसी का भाग दे देंगे। फिर देखो ये वैल्यू बहुत कम आएगी, तो इसको 10^6 से मल्टीप्लाई करके ppm में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है।
अब देखो इसका ये डेल्टा लाने का मतलब क्या हुआ, ज़रूरी नहीं है सभी जगह एक ही फ्रिक्वेंसी के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज हों, कहीं 60 का 60 का हो सकता है, कहीं 80 का हो सकता है, कहीं 100 का, कहीं 120 का। तो अगर हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाएं तो अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर जो हमने शुरू में पढ़ी थी उसके बीच में गैप पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है वो एनर्जी बढ़ेगी और फ्रिक्वेंसी में परिवर्तन होगा। तो अगर सीधी फ्रिक्वेंसी काम में लें तो इसी एल्कोहल के इस प्रोटॉन का 60 मेगाहर्ट्ज पे अलग मान होगा, 120 पे अलग होगा, 100 पे अलग होगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को किस में, ppm में, मतलब डेल्टा वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें स्पेक्ट्रोमीटर बदलने से आने वाले प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम लैम्डा की वैल्यू, कई कई जगह इसकी टो वैल्यू भी ज्ञात करते हैं, तो टो वैल्यू या ठीक इसकी उल्टी होती है, मतलब डेल्टा वैल्यू क्या होती है, डेल्टा वैल्यू होती है 10 माइनस टो। लेकिन ये अपने को ज़्यादा काम में नहीं आती, तो इस टो वैल्यू को तो आप भूल जाओ, अपने को सिर्फ डेल्टा वैल्यू याद रखनी है, मतलब दोनों में 10 का फर्क होगा, इसका मान 0 है ना, यहाँ पर डेल्टा 0 है तो टो की वैल्यू यहाँ पर 10 होगी, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और यहाँ पे वापस 0 जाएगी। तो ये दो मापने की यूनिट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब देखो नेक्स्ट सम इम्पोर्टेंट केमिकल शिफ्ट जो हमें याद रखने चाहिए, ये इस साइड में तो लिखे हैं मैंने टाइप्स ऑफ प्रोटॉन और इस साइड में लिखे हैं वैल्यू ऑफ डेल्टा जिसे हम केमिकल शिफ्ट भी बोलते हैं। तो देखो 1, 2, 3 डिग्री एल्किल ग्रुप, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्किल ग्रुप की वैल्यू होती है 1 से 1.5 के बीच में। वाइनली कार्बन जो द्विबंध युक्त कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हो तो 4.5 से 6.5। एसिटाइलेनिक ट्रिपल बंध से जुड़े हुए कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 2 से 3। फिर एरोमेटिक, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ 6.5 से 8.5। एल्कोहल से जुड़ा हुआ, एल्कोहल में देखो कार्बन से जुड़ा हुआ न कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ 3.5 से 4.5। ईथर 3.5 से 4.5। एसिड, एसिड का RCOOH 10 से 12। इसका एक कारण, हालांकि केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, यहाँ इसकी ज़्यादा मान आने का कारण है, एक तो ये अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा हुआ है जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की तरफ आ जाती है, दूसरा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, तो 10 से 12 मतलब डी शील्ड इलेक्ट्रॉनिक वातावरण इससे खिसक गया है तो 10 से 12। इसी प्रकार इनोलिक 14 से 17, हाइड्रोक्सिलिक 3.5 से 4.5, एल्डिहाइड 8 से 10। इसमें भी यही कारण है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये अधिक विद्युत ऋणी जुड़ा हुआ है, दूसरा जब इस पाई इलेक्ट्रॉन के या इस के चक्रण के कारण इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये डी शील्डिंग जोन में आएगा, वो हम डिटेल से कल चर्चा करेंगे। एमिनो का 1 से 5। अब देखो कल जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट वास्तव में क्या, शील्डिंग और डी शील्डिंग पढ़ेंगे। अब शील्डिंग और डी शील्डिंग को जो प्रभावित करेगा इंटर्न वही केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करेगा, ये देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।